शहर के दक्षिणी क्षेत्र में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देर रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर हजारों की नकदी सहित दो लैपटॉप पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तहरीर लेकर कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाई। बताया जा रहा है कि दोई नगर थाना क्षेत्र के लाल कॉलोनी में दवा नेटवर्किंग के ऑफिस में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। वहीं पीड़ित श्यामवीर सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि ऑफिस के पीछे मकान में निवास के दौरान रविवार को ठेकेदार सहित कई मजदूर ऑफिस से छत पर गए थे। वहीं बताया कि देर रात घर जाने के बाद जब ऑफिस पहुंचे तो ऑफिस से दो लैपटॉप सहित हजारों की नकदी गायब देख परेशान हो गए, और जब छत पर पहुंचे तो ऑफिस में रखे बैग के अंदर कागजात व रुपए में सिर्फ छत पर कागजात पड़े हुए थे। वहीं पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच की बात कही है। किस तरह रात के हुए थे, छत पे था और इसके बाद नीचे आ गया था, और जब सुबह उठा तो मेरा बैग घूमने लगा, बैग नहीं मिला मुझे, तो फिर मैं छत के ऊपर गया तो वहाँ पर मेरे कुछ कागज़ पड़े हुए थे। मुझे शक हुआ कि मेरे कागज़ भी पड़े हैं, तो फिर मैं दोबारा नीचे आया तो मैंने अपना लैपटॉप देखा, वहाँ मेरे ऑफिस में लैपटॉप भी नहीं था। मैं दूसरे ऑफिस गया, बगल में था, वहाँ भी देखा, वहाँ भी दो लैपटॉप गायब हो गए थे। तब मुझे मालूम चला कि ये मेरे बैग में ही कुछ पैसे थे, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये थे, और दो लैपटॉप लेकर चला गया। तो मुझे लगा कि ऐसी चोरी हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो नीचे वाले जहाँ मकान बगल में मकान बन रहा था तो उनके घर गया मैं, और अभी जाके छत में जाके देखा कि जो गली है पीछे की वहाँ से सीढ़ी लगी हुई है। तो मुझे कन्फर्म हो गया कि यहाँ से चोर आया, पीछे से मजदूर लोग ये करते थे काम, वही लोग देखे पूरा सही। क्या किसी के ऊपर शक था जो पीछे काम कर रहे हैं? क्या पुलिस को सूचना दे दी पूरे मामले में? पुलिस को मैंने सूचना तुरंत फोन नंबर किया, मैंने फोन नंबर पुलिस आ गई यहाँ पर, और यहाँ पे तहकीकात करी, फिर मैंने थाना गया, थाने से मैंने लिखित में तहकीकात देख कर फिर यहाँ पे आ गया।